ये ब्लैक ड्रेस मैंने पहना था वेडिंग एनिवर्सरी पे, और हमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी पिरामिड्स के सामने, तो ये बड़ी यादगार सी एनिवर्सरी थी। तो इधर बन रही है मज़ेदार सी सेपरेट टी, वहाँ जाके तो हम लोगों ने बस सेपरेट टी ही पी है, वरना यहाँ पे जो घर वाली पी के, तो लेकिन यह था कि हमने दूध एक बाय करके रख लिया था और अपने टी बैग्स भी बाय कर लिए थे, क्योंकि होटल वाले ये था कि डेली की एक बॉटल रखते थे फ्री में, लेकिन यह है कि हमने फिर भी अपनी बाय करके रख ली थी, क्योंकि हम देसियों का चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है, तो इसलिए एक कप सुबह और एक कप शाम में वो तो ज़रूर लाजमी पीनी होती है ना चाय, उसके बगैर नहीं। एक मिनट मैं अपने ज़रा होटल का व्यू तो दिखा दूँ। ये हमारे होटल का व्यू है, ये बस अभी हम एंटर हुए हैं, चेक इन किया है। इधर से वॉक करके। हाँ ये पैटर्न्स जो मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों को बताऊं अगरटी की थी, वहाँ कहीं दूर दूर से नहीं मिल रही थी, फिर बहुत घूम घूम के कि एक फ़्लावर शॉप मिली फ्रेश फ्लावर्स की, तो ये फिर मैंने वहाँ से बाय किए थे। तो ये और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने होटल का और रूम का टूर दूँगी और दिखाऊँगी कि ये हमने पिरामिड्स व्यू होटल था, इसका नाम 9 पिरामिड्स व्यू, और इससे पिरामिड्स का पूरा जो हमारे रूम से भी था व्यू और उसकी जो था टेरेस से भी व्यू आता था, तो हम बड़े मज़े से चाय पीते हुए आप पूरा इंजॉय कर सकते थे व्यू को। तो सेकंड फ्लोर पे था हमारा रूम, और इसके बाद फिर हम लोग रात में खाना खाने गए थे ऊपर, ये भी रेस्टोरेंट हमारे जो होटल है उसके ऊपर बना हुआ था, और बल्कि इधर न्यू ईयर नाइट भी आने वाली थी, अगले दिन ही थी, और इन्होंने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की थी, हमने बहुत इंजॉय किया था, तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। तो बस फिर हमने खाना ऑर्डर किया था, ये देखें है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर गेस्ट तो आते हैं पूरी दुनिया से, तो उनके लिए जो था वो सारा डेकोरेट किया हुआ था, तो ये मेन्यू आ गया। तो काहिरो का मैं इजिप्ट का खाना मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, बस अपना अपना टेस्ट होता है, बहुत ही लोकल फूड हमने एक दिन खाया था तो बहुत ही अजीब सा था इनका पास्ता, पास्ते के अंदर चावल, चावल के अंदर टमाटो ग्रेवी और सारा कुछ मिक्स करके चने वगैरह, तो वो लोग खा लेते हैं, उसमें कोई नमक मिर्च भी नहीं होती है, तो वो तो मेरे हल्क से नहीं उतर रहा था। तो लेकिन इसका इस होटल का जो था वो खाना ठीक था, अच्छा था। तो एक वीक हम इसी होटल में रुके थे, ये जिससे व्यू था और बड़ा मज़ा आया था, बड़ा प्यारा व्यू था, और इस होटल के अंदर ही हमारा नाश्ता इंक्लूड था, वो बफे था, नाश्ता बहुत अच्छा था। और ये देखिए छोटे छोटे क्रिसमस ट्री इन्होंने लगाए हुए हैं डेकोरेशन, क्योंकि ये क्रिसमस तब गुजरा था, उसके बाद न्यू ईयर जो थी वहाँ पे हमारी वहाँ पे गुजरी थी। तो बस उस दिन हमने चेक इन किया था, बहुत भूख लगी हुई थी, तो ये देखें ये खाना आया, ये मैंने लेमन चिकन ऑर्डर किया था, उसके साथ फ्राइज थे और स्टीम राइस थे। अगर मैं आपको इसका रिव्यू दूँ तो बस सो था, बहुत अच्छा नहीं था, इन्होंने ज़रा चिकन को हार्ड कर दिया हुआ था, और जो ये लेमन वाली क्या कहते हैं सॉस थी वो भी बहुत थिक कर दी थी। और साथ ये मोहसिन ने ऑर्डर किया था अपना जैरो, ये उसे बेहतर था, ये बीफ का था, मैं बीफ नहीं खाती तो मैंने चिकन की डिश ऑर्डर करनी होती है, तो ठीक था खाना, इतना बुरा नहीं था। अब मैं आपको अपने रूम का टूर देती हूँ। ये एंटर होते ही ये दरवाज़ा, बाहर से एंटर होते ही ये कवर्ड है, उप्स डिजास्टर। ये छोटा सा उन्होंने, ये इसके अंदर लॉकर वगैरह, ये कॉफी का कॉर्नर, और ये अंदर फ्रिज, ये है वॉशरूम, ये शॉवर वाला, और ये बेडरूम,
बेड, बेडरूम कह रही हूँ, बेड। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा होटल से जो मेन चीज़ें देखने वाली है, जो है व्यू। वाह जी वाह, ये खुलते हैं, ये देखिए, ये हमारे रूम से तीनों जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। पैसे पूरे हो गए। मैंने कहा छोटा सा आप लोगों को एक रूम टूर दे दूँ।